हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन सी की और वो भी एन सी आर टी के इस चैप्टर का वी आर गोइंग टू कवर द एन सी आर टी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आज मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वो इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के होंगे ठीक है तो एक ही वीडियो में आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सोल्यूशन मिल जाएगा तो आ जाइए सभी लोग जो भी डाउट्स आप लोगों को होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नोट करके रख लीजिए फिर किसी ना किसी लेक्चर में मैं उसको रिजोल्व जरूर कर दूंगा ठीक है तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज आनंद मनी जीरो जीरो वन को जरूर सब्सक्राइब कर लें ठीक है साथ ही साथ एन एक्सप्रेस का भी टेलीग्राम चैनल है जिसपे उससे रिलेटेड सारे पी वगैरह मिलते रहते हैं तो हमारे जितने भी चैनल्स हैं लाइक एन एक्सप्रेस हो गया नीट क्वेश्चन बैंक हो गया और नीट यू वाला जो चैनल डॉक्टर आनंद मनी का जो चैनल है इन सब के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपसे एक भी पीडीएफ डी एफ या एक किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो ठीक है तो प्लीज़ ये बात जो बोल रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज्यादा so, से ज्यादा क्वेश्चंस क्या होंगे सब थ्योरिटिकल इसमें न्यूमेरिकल तो होगा नहीं लेकिन हर एक के पीछे क्या होगा लॉजिक होगा और वो लॉजिक आपको कहां से क्लियर होगा वो लॉजिक क्लियर होगा केमिकल बॉन्डिंग से सो so, ये जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं इसके पीछे का जो बेसिस है वो पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग से आता है तो वो चैप्टर पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अगर आपका अभी तक नहीं स्ट्रॉग है तो इधर देख लीजिए ठीक है मैं सारे पॉइंट्स को बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पे क्वेश्चन के थ्रू आपके जो हैं वो भी रिवाइज हो जाए ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज ठीक है तो ऐसा जो एलिमेंट है वो गैलियम होता है ठीक है अब गैलियम क्यों होता है ये तो मान लीजिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ठीक है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ठीक है सो so गैलियम क्यों होता है एक्चुअली गैलियम का जो मेल्टिंग uh, पॉइंट है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली थर्टी डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये थाउजेंड्स में होता है थाउजेंड में भी अगर हम बात करें सो इट इज अराउंड ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड फोर्टी डिग्री सेल्सियस सो इस रेंज में होने की वजह से अब आप जानते हैं किसी भी चीज की जो फिजिकल स्टेट है वो किस बात पर निर्भर करती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे है तो वो रूम टेम्परेचर पे आपको कैसा दिखाई देगा लिक्विड दिखाई देगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है तो आपको कैसा दिखाई देगा गैस दिखाई देगा अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से काफी हाई है तो वो आपको कैसा दिखाई देगा सॉलिड दिखाई देगा सो so, आप देख सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है

सबस्टेंस विच इज एबल टू विच इज एबल टू एक्सेप्ट विच इज एबल टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो ठीक है या कैपेसिटी रखता हो उसको हम लुइस एसिड बोलते हैं ठीक है और लुइस एसिड में यानी कि क्या होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी सो so, देखो यहां पर अगर हम देखें सो बी एस एल टू के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है सी एल टू के पास भी नहीं है एम जी सी एल टू के पास भी नहीं है बट ए एल सी एल थ्री के पास एमप डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास क्या है एमप डी ऑर्बिटल्स हैं एमप टी डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इट विल बी एबल टू एक्ट एज अ एसिड ठीक तो लुइस एसिड क्या होता है और दिए हुए ऑप्शंस में कौन सा लुइस एसिड है ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ फटाफट निपटाते हैं ठीक है और आप लोगों को पता ही है कि एन सी टी का या फिर जो एनसीआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है एनसीआरटी के इनटेक्स क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं बट आपके एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम के लिए चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो जेई का एग्जाम हो नीट का एग्जाम हो इवन यूपीएससी का एग्जाम हो सबके लिए एनसीआर इंपॉर्टेंट है तो भले आपको आसान लग रहा हो चाहे जैसा लग रहा हो लेकिन अगर आपने लाइन बाय लाइन एनसीआर को कंसेप्चुअली क्लियर करके रखा हुआ है सो यकीन मानिए आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इस वजह से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक चीजों का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा अगर पॉसिबल हो बाद में मैं पीडीएफ आपको भेजी दूंगा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा आपको वहां मिल जाएगा ये ठीक है अब देखो क्या क्या कह रहा है जोमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल इन बी ओ एस टॉइस बी ओ एच फोर टाइम ठीक है एंड द जोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर रिस्पेक्टिवली तो यार ये बताओ ये जो बी ओ एच फोर टाइम्स है ठीक है बी ओ एच फोर टाइम्स है इसका अगर हमको स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है बी ओ एच ओ एच ओ एच एंड ओ एच और ओवरऑल क्या आ रहा है बी पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स का तो इस कॉम्प्लेक्स में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है फोर सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो फोर सिग्मा बॉन्ड्स होने की वजह से जो स्टेरिक नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टेरिक नंबर फोर आ रहा है स्टेरिक नंबर फोर होने का मतलब ये कैसा हो जाएगा इट विल बी एस पी थ्री हाइब्रिड ठीक है और एसपी थ्री स्क्वायर प्लानर का भी होता है तो सर एस पी थ्री हाइब्रिडाइज डी आप क्यों बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोरॉन के पास ना डी ऑर्बिटल नहीं है और बोरॉन के पास बोरॉन बोरॉन डू नॉट हैव बोरॉन डू नॉट प्रोपोजेस डू नॉट पॉजेस ठीक है एम्पटी डी ऑर्बिटल तो जब इसके पास डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं तो डी एस पी टू होगा जो कि स्कोयर प्लानर होने के लिए डी एस पी टू होना जरूरी होता है इस वजह से मैं एस पी थ्री बोल रहा हूं और चारों के चारों क्या है सिग्मो बॉन्ड मतलब यहां कोई लोन पेयर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा सो so, उस हिसाब से हमारा आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट एंसर ठीक है ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट एंसर सो आई होप ये सब लोग क्लियर हो गए होंगे कि ये चीज कैसे हुई चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कही जा रही है कि ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर तो देखो कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते, है? होते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक ठीक है और जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है उतना ही ज्यादा उनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है

तो इसमें जो नॉन मेटेलिक है वो बोरॉन के पास है सो so, बोरॉन के पास होगा तो जो बोरॉन का ऑक्साइड होगा बाकी में एम्फोटेरिक और ये, ठीक है कुछ एम्फोटेरिक है, कुछ हैं, हैं, का मतलब क्या होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे तो खैर यहां पे आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा बोरॉन का ऑक्साइड विल बी एसिडिक इन नेचर सो आई होप यहां तक सब लोग क्लियर हो गए होंगे अभी ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि द एग्जिबिशन ऑफ हाइएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द सेंट्रल एटम बिल्कुल सही विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट लाइकली टू एक्ट एज अ सेंट्रल एटम इन एम एफ सिक्स थ्री माइनस एफ सिक्स थ्री माइनस का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होना चाहिए अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होना चाहिए या तो डी टू एस पी थ्री होना चाहिए या एस पी थ्री डी टू होना चाहिए तो इन हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए ठीक है तो यानी कि फॉर एग्जीबिशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ yeah this kind of coordination number coordination number okay? the central atom the central atom must possess you must have empty d orbital empty d orbital तो अगर एमपूटी डी ऑर्बिटल होगा तो करेगा नहीं होगा तो नहीं करेगा तो यहां पूछा है कौन नहीं करेगा नॉट लाइकली टू एक्ट एज ए सेंट्रल एटम तो यार इसके तीनों के पास है एल्यूमिनियम के पास भी है गैलियम के के पास भी है, इंडियम के पास भी भी है है इंडियम बोरॉन के पास नहीं है तो दैट इज वाई ये करेक्ट हो जाएगा बोरॉन के पास एम्पटी ऑर्बिटल नहीं होता है केवल क्या होता है पी ऑर्बिटल तक होता है टू पी मैक्सिम होता है इसमें जहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है वैसे तो इमेजिनरी तो सब में बहुत कुछ होता है चलो नेक्स्ट बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल ठीक है तो बोरिक एसिड सबसे पहली चीज तो क्या होता है बोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं एच थ्री थ्री ये होता है बोरिक एसिड बोरिक एसिड ठीक है जब हम बोरिक एसिड को और किस तरीके से लिख सकते हैं BOH एच थ्राइस भी लिख सकते हैं इसको जब तुम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो ना ये क्या करता है ये जो ओ OH एच होता है ये यहां आ जाता है एम्पटी ऑर्बिटल होने की वजह से बोरॉन के पास एमपटी ऑर्बिटल है एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन दी ओ एच फोर टाइम्स और बी पे क्या चीज चीजेटिव चार्ज ऐसा कुछ बन जाता है सो नाउ इट इज एक्टिंग एज एसिड एसिड की तरह काम कर रहा है और एसिड की तरह ये क्यों काम कर पा रहा है क्योंकि इट इज एबल टू एक्सेप्ट दिस ओ एच आय देखो बोरिक एसिड ने क्या एच प्लस छोड़ा है नहीं छोड़ा है सो so, ये कौन से डेफिनेशन के हिसाब से एसिड हो पा रहा है इसका डेफिनेशन जो करेक्ट यहां बैठ रहा है कि इट इज एबल टू एक्सेप्ट ओ एच माइनस आयंस ठीक है तो क्या हो जाएगा आंसर आंसर हो जाएगा कि इट एक्सेप्ट्स ओ एच माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन ठीक है वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन से ठीक है ये क्या कर पा रहा है बना पा रहा है तो दिस विन दिस विल बी द करेक्ट डेफिनेशन फॉर बोरिक एसिड ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का So, कार्बन मतलब क्या, क्या करता है कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के ही बहुत सारे बॉन्ड्स बना लेता है चेन बना लेता है श्रृंखला बना लेता है ठीक है सो ये जो सेम एटम के साथ चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है इसी को हम कैटिनेशन बोलते हैं और ये जो कैटिनेशन है कैटिनेशन डिपेंड करता है कि एटम का ये तो जो दी हुई है साइज पे डिपेंड करता है ठीक है अब इट इज रिलेटेड टू टेंडेंस कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन दिख रहा है सबको द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इज रिलेटेड टू इज रिलेटेड टू बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी ठीक है और वो भी कौन सी बॉन्ड एनर्जी एम एम बॉन्ड एनर्जी मतलब जिन एलिमेंट जिस एलिमेंट के बारे में तुम बात कर रहे हो उस एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी कैसी है ठीक है एमएम बॉन्ड एनर्जी विच डिक्रीजेस विच डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू टेन कार्बन टू टेन ठीक है कार्बन से इन की तरफ ये क्या करते ही होती है घटती है तो जो अगर हम इनके कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे हाई होता है तो कार्बन की जो बॉन्ड ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी वो काफी हाई होगी अब जैसे हम नीचे जाते हैं ठीक है नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस आता है ना कार्बन के नीचे कौन है सिलिकॉन है तो कार्बन और सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सो कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी वो सिलिकन से काफी हाई होगी फिर इसके बाद सिलिकन जर्मेनियम और टिन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिलिकन और जर्मेनियम में बहुत कम अंतर है थोड़ा सा अंतर है दस के आसपास का अंतर होता है और जर्मेनियम और टिन में ऑलमोस्ट अंतर ही नहीं है बहुत कम नेग्लिजिबल डिफरेंस है सो क्या होगा अगर कार्बन और सिल्कन में ज्यादा डिफरेंस है कार्बन कार्बन की ज्यादा होगी सिल्कन से ठीक है फिर सिल्कन की जर्मेनियम से ज्यादा होगी लेकिन जर्मेनियम और टिन का क्या है ऑलमोस्ट सिमिलर है बॉन्ड एनर्जी आप चेक कर सकते हैं नेट पे ठीक है तो उनका क्या होगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा सो दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है सेकेंड ऑप्शन ये डेटा भी एक बार देख लो ये जो कार्बन कार्बन का होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली एट्टी थ्री किलो कैलरी होता है कि जूल होता है किलो कैलरी होता है शायद किलो कैलरी पर मोल होता है ठीक है और फिर इसके बाद जो तुम सिलिकन सिलिकन का बात करते हो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 54 किलो कैलोरी पर मोल ठीक है और जो जर्मेनियम का होता है जर्मेनियम जर्मेनियम का बॉन्ड एनर्जी ये होता है तकरीबन 40 किलो कैलोरी पर मोल होता है ठीक है और टिन का जो होता है बॉन्ड एनर्जी वो होता है थर्टी के आसपास होता है ठीक है तो आप यहाँ से देख सकते हो डिफरेंस कैसा है ज़्यादा किसका है, है ना प्रॉपर्टी को आप यहां से कंपेयर कर सकते हो चलो बढ़ते हैं की क्या, है? कि like तो क्या होता है हम एम थ्री एस आई सी एल डाल देते हैं तो ये क्या कर देता है टर्मिनेट कर देता है जो एंड्स ओपन होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है ब्लॉक कर देता है ठीक है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं जैसे हमको लंबा चाहिए चेन तो पॉलीमराइजेशन छोड़ दो तो चेन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और जैसे ही तुम एम एस आई सी एल फिर उसको फर्दर बढ़ने नहीं देगा तुमको छोटी लेंथ की चाहिए तो शुरुआत में डाल दो थोड़ा और बड़ा का चाहिए मतलब जितना ज्यादा पॉलीमराइजेशन लंबा चाहिए तुम उतने देर बाद इसको डालो ठीक है तो चेन को वो ब्लॉक करने में मदद करता है नेक्स्ट क्या कह रहा है क्या क्वेश्चन है आयोनाइजेशन इन थे

जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को बांधने वाली एनर्जी होती है वो तो कम होती जाती है तो यानी कि नीचे जाने पर एनर्जेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए सो so, एक्सपेक्टेड क्या था एक्सपेक्टेड क्या था अगर बोरॉन फैमिली की बात की जाए तो ये एक्सपेक्टेड था कि बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा फिर ये होना चाहिए ये होना चाहिए बट इट इज रॉन्ग ये यहां पे गलत हो गया क्यों इट इज रॉन्ग सो द रीजन इज कि आप बोरॉन फैमिली को अगर पीरियोडिक टेबल में देखिए तो बोरॉन फैमिली के बगल में डी ब्लॉक आता है ठीक है और इधर क्या आता है एस ब्लॉक आता है सो so, बोरॉन यहां पर है ठीक है एल्यूमिनियम यहां पर है बोरॉन एलुमुनियम फिर यहां आ गया क्या गैलियम तो अभी तक तो क्या हो रहा था एस ब्लॉक के बोरॉन के केस में बोर एस ब्लॉक के जस्ट बाद बोरॉन आ जा रहा था के केस में भी एस ब्लॉक के जस्ट बाद क्या आ जा रहा था ठीक? लेकिन अब गैलियम वाला जो केस है डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शील्डिंग क्या होती है पुअर होती है शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा तगड़ा होगा जेड इफेक्टिव अच्छा होगा तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको बांधने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी so, बोरॉन का एल्युमिनियम से ज्यादा तो लेकिन ज्यादा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ है ना शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंटरवेंशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या है पुअर है. तो एक्सपेक्टेड वो था लेकिन होता क्या है बोरॉन का एल्मोनियम से ज्यादा होता है लेकिन गैलियम का एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है और गैलियम का इंडियम से भी होता है। फिर जो कि और ज्यादा पुअर शेल्डिंग के होते हैं ठीक है सो दिस ऑर्डर विल बी फॉलोड एंड ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट एंसर समझ आ गया ना ये एक्सपेक्टेड यह था लेकिन रीजन क्या होता है

और फिर टर्मिनल हाइड्रोजन से कम होते हैं और इसमें खास बात यह होती है कि ये जो टर्मिनल वाले होते हैं और बोरॉन होते हैं दे आर इन द सेम प्लेन और जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन द प्लेन है ना एंड बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर इन द सेम प्लेन इन द सेम प्लेन ठीक है तो अब यहां से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्या कह रहा है देखिये मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको शुरुआत में बता दी कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल है ये कह रहा है ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लाई इन वन प्लेन एंड बोरॉन एटम्स लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन नहीं सारे हाइड्रोजन एटम तो एक प्लेन में नहीं है दिस इज रॉन्ग टू बोरॉन एटम्स एंड फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन है ना एंड टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द परपेंडिकुलर प्लेन ये सही है ठीक है सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट एंसर सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट एंसर ठीक है फोर्थ थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है थर्ड ऑप्शन में कि फोर ब्रिजिंग हाइड्रोजन टर्म लाइन द सेम प्लेन टू टर्मिनल ऐसा कुछ नहीं है ऑल द सेम प्लेन तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ध्यान रखिएगा और यहां एक और चीज का ध्यान रखिएगा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है सी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपका बी एच थ्री होता है ठीक है बोरेन तो बोरेन में बोरॉन एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है और ये कैसा होता है ट्रायंगुलर प्लेनर होता है जबकि जो बी टू एस सिक्स है डाई बोरेन इसमें बोरॉन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल होता है ये याद रखिएगा याद क्या रखना है स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा कि बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है चार बॉन्ड बना रहा है ठीक है दो टर्मिनल के साथ और दो ब्रिजिंग के साथ ठीक है तो उसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया चार हो गया तो एसपी थ्री हो गया ना जी चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड एक्स कैन बी प्रिपेयर बाई ट्रीटिंग बी एफ थ्री विथ लीथियम एल्म कंपाउंड एक्स एंड वाई आर रिप्रेजेंटेड बाई द फॉर्मूलाज तो ये बहुत आसान कर दिया ये यहां जो बता दिया द कंपाउंड एक्स कैन बी प्रीपेर्ड बाई ट्रीटिंग बी एफ थ्री विथ लिथियम एलोनियम हाइड्राइड तो जब आप बी एफ थ्री और लिथियम एलोमिनियम हाइड्राइड को हीट करते हो ठीक है इनको जब हीट करते हो तो क्या बनता है इनको गर्म करने पर बनता है डाइबोरेन दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपेस ऑफ क्या चीज प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन तो ये एक्स था एक्स आपको पता चल गया अब एक्स को आप क्या कर रहे हो अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो जब बी टू एस सिक्स को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाता है बैलेंस आप कर लीजिएगा ठीक है कराया जाता है तो इट फॉर्म्स इनऑर्गेनिक व्यंजिन वाही इनऑर्गेनिक व्यंजीन बोला जा रहा है और इनऑर्गेनिक व्यंजिन कैसा होता है इनऑर्गेनिक व्यंजिन ऐसा होता है ठीक है देखिएगा सबसे एच जोड़ दीजिए ठीक है दिस इज सो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन दैट इज वाई है ना सबको दिख रहा होगा सो so, वाई का फॉर्मूला क्या लग रहा है आपको क्या बी थ्री एन थ्री एच सिक्स बी थ्री एन थ्री एस सिक्स सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर वन ठीक है चलिए पढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कह रहा है क्या क्वार्स इज एक्सटेंसिवली यूज एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेन्स तो ये तो बहुत आसान है क्वार्ड में क्या होता है सिलिकॉन होता है सेकेंड ऑप्शन ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था सिलिकॉन इज प्रेजेंट है ना बेसिकली जो क्वार होता है ना क्वार इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका ठीक है ये भी लिख लीजिए तो याद रहेगा आपको क्वार इज वॉट इज क्वार्स इज क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका तो अब इससे याद रहेगा ना आपको कि इसमें ऐसा ही होता है और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है हम सॉलिड स्टेट में बताए थे आपको कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे उसको पीजो इलेक्ट्रिक बो, बोलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज ठीक है द मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट एमोंग द फॉलोइंग इज ठीक है सो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए जो चीज आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो अब अगर मैं यहां तुमको दिखाऊं एस टू ठीक है जो ऑप्शन में देख पा रहा हूं एस ये टू बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्यों होगा क्योंकि एस टू में इन एस Sn टू एस एन इज इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है A, किसी स्टेट में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है बट एस एन प्लस फोर इज मोर स्टेबल एस एन प्लस फोर इज मोर स्टेबल ठीक है तो जो चीज मोर स्टेबल होगी उस फॉर्म में वो कन्वर्ट होना चाहेगी सो एस टू ऑलवेज ट्राई टू गेट कन्वर्टेड इन टू एस फोर ठीक है तो ये हमेशा क्या करना चाह रहा है ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है जब कोई चीज ऑक्सीडाइज होना चाहेगी दट इज वाई सिंस इट हैज अ गुड टेंडेंसी गुड टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज टू गेट ऑक्सीडाइज हैंस इट इज most commonly used as most commonly used as दिख रहा है सबको एक सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसको इस वजह से यूज किया जाता है तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज की ड्राई आइस एस तो ड्राई आइस तो यार सबको क्लियर है कि ड्राई आइस क्या होता है ठीक है सॉलिड सीओ टू सॉलिड सीओ टू नोन एज ड्राई आइस ठीक है ड्राई आइस तो सॉलिड सीओ टू विल बी द करेक्ट आंसर सॉलिड सीओ टू विल बी द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ट इज द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटीरियल इज मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ सेवरल एलिमेंट्स बिसाइड्स कैल्शियम आयरन एंड सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच द ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मिक्सर तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपका जो ग्रुप टू होता है ग्रुप थर्टीन होता है और ग्रुप फोर्टीन होता है मतलब मैग्नीशियम वाला फेरिलियम वाला फैमिली ठीक है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब और बोरॉन फैमिली कार्बन फैमिली के ऑक्साइड्स भी होते हैं सो आंख बंद करके आंसर क्या कर देना है ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था तो अभी तक हमने ये जो क्वेश्चंस किए ये क्वेश्चंस थे हमारे क्लास इलेवंथ की एन सी टी के ठीक है अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ट्वेल्थ से स्टार्ट होता है तो जो लोग को खाली इलेवेंथ का पढ़ना है वो यहीं रुक के आगे बढ़ सकते हैं मतलब आगे का, का काम कर सकते हैं यहां तक जो खाली इलेवेंथ के लोग हैं उनके लिए था अब जो सब कुछ पढ़ रहा है या खाली जो ट्वेल्थ पढ़ रहा है उसके लिए अब यहां से शुरू होता है सो so, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फोर टू अ क्लोराइड सॉल्ट कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट वायलेट फ्यूम्स आर कमिंग आउट ठीक है सो दिस इज बिकॉज ठीक है तो होता क्या है कि जब आप क्लोराइड सॉल्ट को लेते हो ठीक है क्लोराइड सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल एन हमने लिया NaCl को तुम अगर H2SO4 के साथ लेते हो ना तो क्या बनता है एनएटूसओ फोर बनता है और एस बनता है तो ये जो एस फ्यूम्स होती हैं ये कलरलेस होती हैं ठीक है सो so, इस वजह से वहां क्या आपको दिखाई दे रहा है फ्यूम दिखाई दे रहा है बट इफ यू हैव आयोडाइड सॉल्ट ठीक है आयोडाइड सॉल्ट अगर तुम लेते हो एच टू एसओ फोर के साथ तो होता क्या है कि पहले तो ये एन बनता है ठीक है फिर इसके बाद एच बनता है और ये जो एच होता है एच टू एसओ फोर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है एच टू एसओ फोर के प्रेजेंस में आयोडीन बन जाता है जो कि क्या होता है वायलेट कलर का होता है तो बेसिकली वहां जो एच आई बनता है आयोडाइड सॉल्ट्स के केस में वो बहुत देर तक टिकता नहीं है वो तुरंत आई टू में कन्वर्ट हो जाता है और वंस इट इज कन्वर्टेड इन टू आई टू आपको क्या मिलेगा I2 में अगर ये कन्वर्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा I2 का कलर कैसा होता है वायलेट होता है और ये वोलाटाइल होता है बेसिकली ठीक है So, ये वजह है कि आपको ऐसा कलर दिखाई देता है तो रीजन क्या हो जाएगा रीजन क्या हो जाएगा एच आई गेट्स ऑक्सीडाइज टू आई टू ठीक है ऑक्सीडाइज क्यों बोल रहे भैया एच आई में आई क्या है माइनस वन में है ना भाई और आई टू में क्या है जीरो में है तो माइनस वन से जीरो का मतलब क्या हुआ ऑक्सीडाइज हुआ ना ठीक है सो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वेन एच टू एस इज पास थ्रू एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एसिडिफाइड विद अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑप्टेंट ऑब्वियसली कोई ना कोई सल्फाइड सॉल्ट बना होगा ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट विद एच एनो थ्री इट फॉर्म्स अल्यूशन ऑफ ब्लू कलर ठीक है चलो ब्लू कलर किसका होता है देखते हैं एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया टू दिस सोल्यूशन गिफ्ट ठीक है तो बेसिकली यहां सारा का सारा कॉपर का बात हो रहा है मतलब कि जो खलफाइड बना वो कॉपर का बना हुआ है ठीक है पास थ्रू एन एक्वे सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एसिडिफाइड विथ थर्ड एस सी एल तो यानी कि अगर कॉपर टू प्लस है और उसको तुमने एच टू एस के साथ किया होगा तो ये क्या बना होगा सी यू एस बना रहा होगा और सी यू एस कैसा होता है ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है चलो यहां से ये यह पकड़ा गया

ठीक है और कॉपर के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है ये टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बनाता है ना टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बनाता है ना टू प्लस स्टेट में और इसी का कलर क्या होता है डीप ब्लू कलर होता है इसी का कलर डीप ब्लू कलर होता है तो डीप ब्लू सोल्यूशन ऑफ वॉट डीप ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर एमीन कॉम्प्लेक्स ठीक है अब इस कॉपर एमीन कॉम्प्लेक्स के बारे में एक और खास बात इसके हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत सवाल पूछा जाता है तो बहुत लोगों का जवाब आ जाता है क्या कि सर कॉपर है टू प्लस स्टेट में है टू प्लस स्टेट में कॉपर क्या होता है डी नाइन होता है तो ये सर एस पी थ्री होना चाहिए था बट ये कैसा होता है प्लानर होता है स्क्वायर प्लानर होता है एक्सेसिव रिपोजिशन की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर स्टेट में और बी अंदर वाला क्या हो जाता है यूटिलाइज होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो ये प्लानर होता है स्क्वायर प्लानर होता है ठीक है तो इसके बारे में ये चीज याद रखना ठीक है एक बार मैं भी कंफर्म कर लूँ कॉपर टू प्लस कॉपर टू प्लस यानी कि होता है। है? होता है, ये चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है इन साइक्लो ट्राइमेटाफोरिक एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट तो यार पहले तो फॉस्फोरिक एसिड मेटा फॉस्फोरिक एसिड एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर इस होता है वो साइक्लिक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है पी है न तीन ये हो गया फिर इसके बाद इधर से भी ओ इधर से पी इधर से ओ और इधर से पी ये चीज होता है फिर इसके बाद इनसे जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड ओ और ओएच हर पी से डबल बॉन्ड ओ और ओएच जोड़ दो ये स्ट्रक्चर पे यार बहुत सवाल आते हैं पी ब्लॉक से ठीक है खासकर ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड से ठीक है ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं तो मतलब खासकर ये पी ब्लॉक और एस ए, 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 ये

तो थ्री डबल बॉन्ड थ्री डबल बॉन्ड्स होंगे तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया है ना अब सिंगल बॉन्ड काउंट करने हैं। और सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं तो एक तो यहां है, one, है? एक यहां है टू थ्री ठीक है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टोटल

दोनों होना जरूरी है तो क्या हमारा यहां कौन कर पाएगा कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं नाइट्रोजन के पास है ही नहीं बोरॉन के पास है ही नहीं, के पास डी ऑर्बिटल है ठीक है तो यानी कि यहां क्या हुआ इसके लिए फॉर दिस डी ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड डी ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड और अगर डी ऑर्बिटल हुआ ही नहीं तो ये काम हो ही नहीं पाएगा इसके लिए क्या जरूरी है डी ऑर्बिटल होना जरूरी है जो कि गिवन ऑप्शंस में से केवल और केवल किसके पास है फास्फोरस के पास है सो so, जिस वजह से यहां पर होगा बट और जगह पे नहीं हो पाएगा ठीक है क्लियर है ना सब लोग यहां तक चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल तो इस तरीके का सवाल आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में काफी हद तक देखा होगा ठीक है काफी ज्यादा देखा होगा ये केमिकल बॉन्डिंग में ठीक है तो आइए यहां भी देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सब में इलेक्ट्रॉन सेम हो और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो कि मतलब अगर एक प्लानर है तो वह दूसरा भी प्लानर हो या टेट्राहेड्रल है तो दूसरा भी टेट्राहेड्रल हो इस तरीके की बात तो यहां देखो किसमें होगा कार्बोनेट अगर देखा जाए तो कार्बोनेट क्या होता है प्लेनर होता है और एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड होता है है ना और कार्बोनेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सीओ थ्री टू माइनस है सो so, दो तो निगेटिव के हो गए कार्बन के कितने हो गए कार्बन के छह इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए ऑक्सीजन में आठ होते हैं तो चौबीस ये हो गए चौबीस छत्तीस और बत्तीस ठीक है नाइट्रेट में अगर देखा जाए तो नाइट्रेट भी प्लेनर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब आइसोस्ट्रक्चरल तो हो रहा है आओ काउंट भी कर लेते हैं नाइट्रोजन के सात इलेक्ट्रॉन हो गए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ और ऑक्सीजन के चौबीस इलेक्ट्रॉन हो गए सो so, इसमें भी कितना हो जा रहा है चौबीस एक पच्चीस सो so, ये दोनों क्या है ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों हैं ऑप्शन वन विल भी करेक्ट ठीक है बाकी और काउंट करोगे तो तुमको अलग अलग देखने को मिलेगा वो सामने से दिख रहा है क्योंकि एक क्लोरीन है दूसरा कार्बन है अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यही हो गया सल्फर है नाइट्रोजन है डिफरेंस हो गया ठीक है बाकी इसमें भी आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स

जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बॉन्ड एसोसिएशन इंथेपी उसकी उतनी तो ही क्या होगी हाई होगी सो so आप जैसे जैसे नीचे जाते हो आप देखो आयोडीन का साइज बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रो क्या होती जा रही कम होती जा रही है तो बॉन्ड एसोसिएशन इंथेलपी क्या होगी घटती जाएगी तो अगर हम एच एक्स को देखें तो एच एक्स में सबसे हाई बॉन्ड एसोसिएशनपी किसकी होनी चाहिए एच एफ की होनी चाहिए दैट इज वाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन विल विल बी बी द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्लियर है सब लोग यहां तक एचएफ विल बी द करेक्ट आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी कह रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ईएच बॉन्ड्स इज गिवन बिलो विच ऑफ द कंपाउंड्स विल एक्ट एज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है सो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है जो अच्छे से रिड्यूस कर दे है ना रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो आसानी से रिड्यूस कर दे या खुद

तो बॉन्ड लेंथ लेंथ जो बॉन्ड होगी मेटल और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी और बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बॉन्ड लेंथ ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ स्मॉलर विल बी द बॉन्ड एनर्जी तो सबसे आसानी से टूटेगा किस में एस बी एच थ्री में टूटेगा ठीक है आप बॉन्ड एसोसिएशन डेटा के बेसिस पे भी देख सकते हैं तो यानी इसका मतलब हुआ इट विल इजिली गिव इट विल इजिली गिव इजिली गिव हाइड्रोजन तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया एस बी एच थ्री हो गया इसी वजह से समझ आई बात क्लियर है सब लोग यहां तक एस बी एच थ्री क्यों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ एक सेकेंड में जरा चार्ज लगा देता हूं ताकि चलता रहे कुछ वन सेकेंड ओके ओके अब आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग विथ कंसन एन एच सोलूशन इन एन इनर्ट एटमोसफियर ऑफ सीओ टू वाइट फॉस्फोरस गिवस अ गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट द गैस इन करेक्ट बताना है तो पहले तो यार व्हाइट फॉस्फोरस जब एन एच के साथ रिएक्ट करता है तो वो पी एच थ्री देता है क्या देता है दैट रिलीजे पी एच थ्री ठीक है और जब वो पी एस थ्री रिलीज कर रहा है तो देखो पीएस थ्री क्या होता है लेस बेसिक होता है अमोनिया से क्यों लेस बेसिक क्यों होता है अमोनिया से क्योंकि रूल के बेसिस पे कर सकते हो कि उसमें लोन पेयर पीएस थ्री में क्या होता है प्योर एस ऑर्बिटल में होता है अमोनिया में जो लोन पेयर होता है वो कहां होता है थ्री हाइब्रिडाइज में होता है तो ज्यादा टाइटली कौन बॉन्डेड होगा ज्यादा टाइटली कौन सा लोन पेयर पकड़ा गया है पीएस थ्री वाला तो वो इजिली देगा नहीं और इजिली जब वो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो वो अच्छा बेस नहीं होगा एज कंपेयर टू अमोनिया सो अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है सो इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया ये कहना क्या हो गया गलत हो गया गलत हो गया इस वजह से ये करेक्ट क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना था ठीक है तो इट इज इन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स फॉर्म थ्री सीरीज ऑफ सोल्ट ठीक है थ्री सीरीज ऑफ सोल्ट कौन कौन देता है तो यहां हमको जो ट्राई बेसिक एसिड होगा वो देगा और ट्राइबेसिक एसिड कौन दिखाई दे रहा है एच थ्री पीओ फोर और एच थ्री पी ओ फोर कौन कौन से टू एच पी ओ फोर भी देता है और एन ए थ्री पी ओ फोर भी देता है सो ये तीन यहीं से हमको मिलते हैं ठीक चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ एच थ्री पी ओ टू इज ड्यू टू ठीक है एच थ्री पी ओ टू का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर क्यों होता है ठीक है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब क्या हुआ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब हुआ जो खुद बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाए ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे H H और एस थ्री पीओ टू है ना भाई ये हुआ तो आप देख रहे हो यहां पे प्रेजेंस ऑफ वन ओ एच ग्रुप और प्रेजेंस ऑफ टू पी एच ग्रुप इसको स्ट्रॉन्ग क्या बनाते हैं रिड्यूसिंग बिहेवियर का बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादा एच सप्लायर है मतलब एच ज्यादा सप्लाई कर सकता है ठीक है दो पीएच बॉन्ड है बाकी आप दूसरे देखिएगा ठीक है तो दूसरे में अब एस पी ओ फोर देखिए तो वहां पीएच बॉन्ड उतने ज्यादा नहीं है ठीक है एस थ्री पीओ थ्री देखिएगा तो वहां पीएच बॉन्ड एक ही है यहाँ पे पीएच बॉन्ड कितने हैं दो हैं तो ये दो हाइड्रोजन इजिली सप्लाई कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में ठीक है रिड्यूसिंग बिहेवियर इसका तगड़ा होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड द ऑक्साइड फॉर्म आर तो कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करते हैं तो मालूम है क्या होता है ये टी से डायरेक्ट उठाई गई लाइन है। थ्री ट्वाइस को अगर आप डायरेक्टली हीट करते हैं तो डायरेक्टली हीट करने पे ये बनाता है PbO plus No2 plus O2. तो कौन कौन से ऑक्साइड बने PbO बना और NO2 टू बना तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है PbO बना और NO2 टू बना बाकी आप इसको बैलेंसिंग वगैरह कर लीजिएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ च ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रोपी ठीक है तो एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया था तुम लोगों को एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि जिसमें मेटल मेटल या जो एलिमेंट एलोट्रोपी करने जा रहे हैं उन एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत हाई होना चाहिए तो यहां पर जो नाइट्रोजन होता है ना नाइट्रोजन का जो एन एन सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है यानी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कम होती है इस वजह से नाइट्रोजन यहां पे एलोट्रॉपी शो नहीं करता है ठीक है एलोट्रॉपी नहीं शो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज तो नाइट्रोजन यार नाइट्रोजन का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो तो क्या होता है वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री सो टू पी थ्री है इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है सो डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये एक्साइड नहीं हो सकता और अगर एक्साइड नहीं हो सकता तो देखो इसमें किस तरीके का टेंडेंसी बन रहा है एक ठीक एस टू, टू एस टू, टू ठीक है है ये ये और तो ये देखो ये इसके वैलेंस शेल में ये चार ऑर्बिटल खाली हैं तो जैसे तुमने ये भी देखा होगा अमोनियम आयन देखा है ना तो इसमें क्या होता है तीन जो है सिग्मा बॉन्ड बनते हैं सिंगल बॉन्ड बनते हैं एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है हाइड्रोजन के साथ समझ रहे हो एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बन जाता है तो इसका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी पॉसिबल होता है वो कितना पॉसिबल होता है? The possible is four. तो मैक्सिम तो यह फोर तक जाता है लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं वो फाइव तक, तो है, तक भी जाते हैं ठीक है फाइव सिक्स तक भी जाते हैं जैसे ठीक है बट ये नहीं जा पाता ठीक है ठीके? क्योंकि इसके पास एमपी डी ऑर्बिटल नहीं है ठीक अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक है रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है तो कह रहा है सिंगल एन एन बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन द सिंगल पीपी बॉन्ड ठीक है तो ये गलत है सिंगल एन एन बॉन्ड क्या होता है वीक होता है तभी ना कैटिनेशन नहीं शो कर पाता है सिंगल पीपी बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है तो यही स्टेटमेंट यहां तो पहला ही गलत मिल गया तो हमारा तो करेक्ट आंसर हो गया ए ठीक है और दूसरा पी एस सी कैनेक्ट एज ए लीगेंट फॉर्मेशन भी सही है एनओ टूज पैरामैग्नेटिक है कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज फोर ये भी सही है क्योंकि एन टू ओ फाइव में चार बॉन्ड बन रहे होते हैं ठीक है चार ही बॉन्ड बन रहे होते हैं फाइव फाइव नहीं बन रहा होता उसमें ठीक चलो नेक्स्ट अ ब्राउन रिंग इज फॉर्मड इन द रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ तो बेसिकली ये आपसे पूछ क्या रहा है ये आपसे पूछ रहा है कि रिंग टेस्ट में रिंग जो बनती है ब्राउन कलर की वो किस कंपाउंड की वजह से बनती है ठीक है सो देखो जब आप नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हो तो रिएक्शन क्या होती है नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ एफ थ्री प्लस आय इन द एसिडिक मीडियम ठीक है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या एनओ बनता है और ये एफ ई थ्री प्लस में ये एफ ई टू प्लस होता है फेरस सल्फेट डालते हैं ना फेरस सल्फेट डालते हैं और ये टू एच टू ओ होता है फिर इसके बाद जो एफ ई एच टू ओ सिक्स कॉम्प्लेक्स होता है आयरन टू प्लस का वो जो NO पहले स्टेप में बना उसके साथ रिएक्शन कर लेता है रिएक्शन करके क्या बनाता है एफ ई एच टू ओ फाइव है ना और टू प्लस यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है सो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉमूला क्या हो जाएगा एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है यहाँ पर तो जिसको एनओ NO भी याद रहा होगा कि एनओ NO बनता है किसी स्टेप में वो तुरंत मारकर चलाएगा क्योंकि और किसी ऑप्शन में एनओ NO दिया नहीं है ठीक है सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट एंसर ठीक है बढ़ते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स कंपाउंड इन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट हाउ एवर बिस्मित फॉर्म्स ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड उंड इन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट द कंपाउंड इज तो एक्चुअली क्या होता है, जो है एक ही कंपाउंड बना पाता है प्लस state में. उसका रीजन होता है वो फ्लोरिन के साथ बनाता है क्योंकि फ्लोरिन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो काफी हाई होती है और साइज क्या होता है छोटा होता है दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट एंसर क्योंकि कन, generally क्या शो करता है देखो बिस्मित जनरली शोज स्मत जनरली शोस जनरली क्या शो करता है जनरली शोस प्लस थ्री ठीक है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ऐसा क्यों होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बाकी इनर्ट पेयर इफेक्ट तो पता है ना कि जब हम नीचे जाते हैं नीचे की तरफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज होना लगती है ड्यू टू इन पेयर इफेक्ट क्योंकि जो बाहर का एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइटली वो क्या होते हैं बाइंड होते हैं ठीक है सो so, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बटशोज प्लस फाइव विथ फ्लोरीन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरिन एटम्स ठीक है इस वजह से ये बी आई एफ फाइव में प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको कि ये रीजन क्या था इसके पीछे का चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट अमोनियम डाइक्रोमेट का मतलब क्या हुआ एन एच फोर टॉइस सी आर टू ओ सेवन एंड बेरियम एजाइड बी एन थ्री ठीक है सो बी एन थ्री ट्वाइस होगा बी एन थ्री होता है ना बेरियम एजाइड का क्या फॉर्मूला होता है बेरियम एजाइड होता है एन थ्री माइनस आयंस और बेरियम होता है टू प्लस सो बेरियम टू प्लस टू बेरियम एजाइट ये होगा ठीक है बेरियम एजाइट का फॉर्मूला ये होगा ये दोनों को ही गर्म करने पे ना अगर आप हीट करते हो तो दे आर है ना दे आर प्रिपरेशन मेथड ये जो है क्या होता है ये प्रिपरेशन मेथड है प्रिपरेशन मेथड ऑफ ठीक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन है ये सो so, दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा नाइट्रोजन मिलेगा ठीक है आप ये एनसीआरटी खोलिएगा तो एनसीआरटी में नाइट्रोजन बनाने की विधियों में ये दिया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है ठीक है सो वहां से आप देख सकते हैं इसको बेरियम एजाइड एक बार फिर से मैं बेरियम एजाइड का फॉर्मूला देख लू हाँ ठीक है बेरियम टू प्लस होता है और एजाइड एनथ्री माइनस आइंस को बोलते हैं तो एनथ्री माइनस उसकी वैलेंसी वन है इसकी वैलेंसी टू है तो क्रिस क्रॉस करेंगे हाँ ठीक है ओके okay, तो दोनों केसेस में नाइट्रोजन बनता है ये दोनों ही मेथड्स क्या थे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन थे है ना चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ एच एन ओ थ्री ठीक है इन द प्रिपरेशन ऑफ एच एन ओ थ्री वी गेट एनो गैस बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया मोल्स ऑफ एनो प्रोड्यूस बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि टू मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ एनो ठीक है नाइट्रिक एसिड एनो गैस मिल रहा है आपको एक एटेलिटिको टू प्रोड्यूस बाई दू मोल्स ऑफ अमोनिया मोल्स ऑफ अमोनिया ठीक है सो टू मोल्स ऑफ अमोनिया से दो मोल ही तो एनो NO मिलेगा तो दो मोल एनो NO मिलेगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज़ टू मोल्स ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ एनओ ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ठीक है देखो अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनायन ऑफ कंपाउंड NaH2PO2 विल बी तो NaH2PO2 NaH2 PO2 में एनायन क्या है भाई एनायन है अपना एच टू पी ओ टू माइनस तो एच टू पी ओ टू माइनस है सेंट्रल एटम क्या है फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम ये सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो हाइड्रोजन का प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन करोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस टू प्लस एक्स माइनस फोर ज इक्वल टू माइनस वन ये आ गया एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन सो एक्स इज इक्वल और नहीं तो स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा ये आएगा ठीक है एच एच अब देख लो ज्यादा है, है तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो यहां ये इसकी वजह से यहां प्लस थ्री आएगा और इनकी वजह से क्या आएगा माइनस टू आएगा तो ओवरऑल क्या आ गया प्लस वन आ गया ठीक है सो so, जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी प्लस वन सो so, अगर वो प्लस वन होगी तो वॉट विल बी द करेक्ट एंसर द करेक्ट एंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉलोविंग इज नॉट टेट्रा हेड्रल इन शेप तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया तो टेट्राहेड्रल होता है यार है ना ये होता है स्ट्रक्चर है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये तो टेट्राहेड्रल है एस आई सी एल फोर की बात करें तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है एस एफ सिक्स की अगर हम बात करें तो एस एफ सिक्स ऐसा होता है ठीक है एस एफ सिक्स कैसा होता है समथिंग लाइक दस सी सो एस एफ सिक्सो अजमेंट एस एफ फोर सॉरी यह सी होता है ठीक है सो द करेक्ट एंसर विल बी क्या नॉट इन टेडल से मतलब पहले तो जो स्केलेटन मिलता है वो ट्राइगोनल बाईपराडल का मिलता है तो जो ट्राइगोनल प्लेन होता है उस प्लेन पर एक जगह लोन पेयर लग जाता है जो जगह फ्लोरिन लग जाते हैं और जो एक्जियल बॉन्ड्स हैं है ना पे क्या लग जाता है एक्सियल बॉन्ड्स पे लग जाता है फ्लोरिन तो ये सीसो अरेंजमेंट बनाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पेरोक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पेरोक्सो एसिड्स का मतलब होता है कि द ऑक्सो एसिड द ऑक्सो एसिड हैविंग पेरोक्सी लिंकेज ये लिंकेज है ना जिसके पास ये लिंकेज होगा वो होगा तो एच टू एसओ फाइव का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो एच टू एसओ फाइव का स्ट्रक्चर क्या होता है दूसरा अगर हम देखें एच टू एस टू ओ एट का तो एच टू एस टू ओ एट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ ठीक है ओ s डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो दो oh एंड oh सो so यहाँ भी आपको पेरोक्सी लिंकेज दिख रहा है है ना h2s2o7 H2, की बात करें तो इसमें क्या होता है s डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो o s डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो oh oh इसमें तो नहीं है है ना इसमें नहीं है तो हमको पहला ऑप्शन दिख तो रहा है यहाँ पर ये यह दोनों में प्रोक्सो ऑक्सो उक्स, एसिड्स होंगे ये नहीं होगा ठीक है यहां भी नहीं होगा यहां भी नहीं होगा बात खत्म फर्स्ट ऑप्शन विल विल बी बी द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारा अगला प्रश्न क्या यहां तक सबको समझ आ रहा है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स है एनसीआरटी से बाहर कुछ आने वाला नहीं है मतलब ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे अभी फिजिकल की कराई गई है ना ऑर्गेनिक की कराई गई तो फिजिकल और इनऑर्गे ऑर्गेनिक की जो एग्जाम्पलर होती है वो तो बहुत ईजी होती है अगर नीट से कंपेयर करो तो वो बहुत ईजी होती है लेकिन इनऑर्गेनिक का जो एग्जाम्पलर है या इनऑर्गेनिक का जो प्रीवियस एक्सरसाइज होता है है ना पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है मतलब इनऑर्गेनिक समझ लो कि एनसीईआरटी से बाहर ऑलमोस्ट पूछा ही नहीं जाता है तो ये तो बहुत तगड़ा पूछ रहा है समझ लो है ना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये जिस जो ज्यादा ये पोटेंशियल क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में ठीक है चलिए इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना आपको एनसीआर में मतलब टू द लाइन बाई लाइन पूछता है का का पेपर उठा का पेपर उठा उठा के के देख देख लो लो चाहे नीट लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीआरपलर और एनसीआर से ठीक है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉट कंसेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर एक्ट एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ट इट ऑक्सीडेस एंडलो एलिट्सिड बाई कंसेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर इन टू टू गैसियस प्रोडक्ट्स तो देखो इसमें क्या होता है जो एच टू एसओ फोर होता है ठीक है एच टू एस ओ फोर एच टू एसओ फोर एच टू ओ और एसओ टू में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए अगर तो ये जो कार्बन है इसके साथ ये जो नो, दो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे ठीक है तो ओवरऑल अगर लिखा जाए ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर लिखा जाए तो कार्बन के साथ अगर एच एस का रिएक्शन हो रहा है इसको तुम टू से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको क्या देखने को मिलेगा टू एच टू ओ प्लस टू एस ओ टू है ना इसको दो कर दो प्लस सी ओ टू ठीक है तो किसके साथ हो रहा है

आपको क्या मिल रहा है दो गैस प्रोडक्ट मिलते हैं वेन यू रिएक्ट कंसेंट्रेटेड तो विथ कार्बन ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैंगनी रिएक्ट विदोजन एसिड टू गिव ग्रीनिश येलो गैस वेन एक्सेस ऑफ दिस गैस रिएक्ट विद अमोनिया एन अनस्टेबल ट्राई हेलाइड इज फॉर्मड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम ठीक है मतलब ये सारा reaction sequence दे दिया तो शुरुआत में नाइट्रोजन की क्या oxidation state थी और फाइनली, सारा कुछ reaction sequence होने के बाद की क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है तो देखिए मैंगनीज का जो ब्लैक कंपाउंड होता है वो क्या होता है दैट इज MnO2 ये क्या है इट इज ब्लैक ठीक है इसका रिएक्शन जब आप एस के साथ कराते हो फोर एस और भी बैलेंस लिखना हो तो फोर एस लिख लो तो बनता है एम एन सी एल टू ठीक है एम एन सी एल टू प्लस टू एच टू ओ प्लस सी एल टू और सी एल टू कैसी होती है ग्रीन येलो गैस ठीक है दिस इज ग्रीन येलो गैस और जब इस गैस को कौन सी गैस यानी कि अमोनिया गैस को जब आप एक्सेस में पास करते हो तो ये क्या बनता है एनसीएल थ्री बनता है और एस सी एल रिमूव होती है ठीक तो ये अनस्टेबल है ठीक है दिस इज अनस्टेबल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन तो ये बताओ यार अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी माइनस थ्री थी एनसीएल थ्री में कितनी है प्लस थ्री है तो कहां से कहां चेंज हुआ माइनस थ्री मतलब ये जो सारा रिएक्शन सीक्वेंस तुमको दिखा रहा है जो गैस निकली उसका रिएक्शन अगर अमोनिया से करा रहे हैं तो जो अनस्टेबल हाइड्र क्लोराइड बन रहा है है ना वो क्या हो रहा है बेसिकली अमोनिया से एनसीएल थ्री में कन्वर्जन हो रहा है यानी कि माइनस थ्री स्टेट से प्लस थ्री स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है हमारे नाइट्रोजन का ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर आई होप सब लोग समझ गए होंगे ये कैसे हुआ कि चेंज किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन की तरफ हुआ है बोलिए भाई क्लियर है सब लोग यहां तक <coughs> चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन बार्टलेट है बेस कंपाउंड दिस इज बिकॉस ठीक है तो ऐसा कुछ क्यों किया था उन्होंने ठीक है तो ये लाइन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी कहां पर ये लाइन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी एनसीआरटी में एनसीआरटी में कहा मिलेगा वो भी बता देता हूं मैं कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं इनर्ट गैसेस या किसी से रिएक्शन ही नहीं करती हैं जब वो रिएक्शन ही नहीं करेंगी तो उनका कोई कंपाउंड मिलना ही नहीं चाहिए बट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम यहां लिखा हुआ है बार्टलेट उसने पाया कि का और यहां पर और O2 का, डाई ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का नहीं डाई ऑक्सीजन का ठीक है O2 का जिनोन का और O2 का जो आयनाइजेशन एनर्जी था वो सिमिलर था ठीक है जब वो सिमिलर था तो अगर O2 कोई कंपाउंड बना रहा है तो इसका मतलब जीनॉन को भी कंपाउंड बनाना चाहिए तो वहीं से उसने खोज शुरू की और जीनॉन के कुछ फ्लोराइड्स और ऑक्सी पाए गए थे ठीक है सो so उसके पीछे का बेस क्या था कि वो सोच पाया कि जीनॉन भी कंपाउंड बना सकता है जबकि वो इनर्ट गैस में रखा गया है इनर्ट की कैटेगरी में रखा गया है। तो क्या पर, सबसे पहला क्लूज को क्या मिला था सबसे पहला बेस क्या मिला था दैट वाज की ऑक्सीजन एंड जीनोन हैव ऑलमोस्ट सेम आरपी और ये एक्जैक्टली exactly लाइन लिखी हुई है एनसीआर में जब आप जीनोन के कम्पाउंड के बारे में पढ़ेंगे या ग्रुप एटीन खोलेंगे ठीक है आपको देखने को मिलेगी वहां पर ठीक है सो दिस बी द करेक्ट आंसर ये कई बार पूछा गया है इसपे सवाल आ चुके हैं ठीक है ये एग्जैक्ट इसपे सवाल आए हुए हैं कि कौन सा बेस था तो इसका बेस क्या था आधार क्या था आयोनाजन इंथेपी था? था सिमिलर आयोनाइन इंथेपी होना इसका आधार था

सॉलिड में भी एक्जिस्ट करता है तो इसी में खराब हो जाता है आप लोगों का पीसीएल फाइव गैसिस स्टेट में ऐसा होता है मतलब कि क्या हुआ ये ट्राइगोनल ट्राइगोनलिडल हुआ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हुआ एसपी थ्री डी हो गया कब गैसीयस फेज बट जब हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं ना तो ये सॉलिड एक्चुअली आयनिक सॉलिड होता है क्या होता है आयनिक सॉलिड होता है

है ना और ये एल सिक्स माइनस ठीक है सो इसका कैटाइनिक पार्ट ये है दिस इज कैटाइनिक पार्ट और ये वाला क्या है दिस इज एनाइनिक पार्ट तो जो कैटाइनिक पार्ट है ना यार जो कैटाइनिक पार्ट है वो टेट्राहेड्रल होता है यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हाइब्रिडेशन और जो एनाइनिक पार्ट है ना वो ऑक्टाहेड्रल होता है इट क्या एस पी थ्री डी टू होता है तो ये चीज याद रखना कि गैसियस फेज में गैसियस फेज में क्या होगा ट्राइगोनल बाईपराल होगा हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी होगा लेकिन सॉलिड फेज में आयनिक सॉलिड होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या हैं कैटायन और एनाइन है पीसीएल फोर प्लस है एनायन क्या है पीसीएल है है ना कैटायन कैटायन का का वो क्या बोलते है? का क्या बोलते हैं हैं बोल रहे हाँ शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल शेप होगा एसपी थ्री होगा और एनायनिक वाले का क्या होगा ऑक्टाहेड्रल हेडल होगा एसपी थ्री डी टू हाइब्रिड होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इट इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा सॉलिड स्टेट ऑफ पीसीएल फाइव

तो कितने क्वेश्चन हो गए लास्ट क्वेश्चन कर लिया क्या? सेकंड हाँ ये क्वेश्चन हो गया था तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम आयंस आर गिवन बिलो ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम आयंस आर गिवन बिलो अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर तो देखो ClO4- फोर माइनस का दिया हुआ है आईओ फोर माइनस का दिया हुआ है बी आर ओ फोर माइनस का दिया हुआ सबसे ज्यादा किसका है बी आर ओ फोर माइनस का है तो यार रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा इसका मतलब क्या हुआ वो रिड्यूस उतनी आसानी से होगा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब हुआ कि वो उतनी आसानी से रिड्यूस हो पाएगा और जो चीज जितनी आसानी से रिड्यूस हो पाएगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या उसकी उतनी अच्छी क्या होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है तो क्या हम यहां पहले क्या लिखेंगे कि ग्रेटर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल Greater its tendency to get reduced. मतलब क्या हुआ More powerful oxidizing agent. समझे ना कि जितना ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना अच्छा क्या होगा

ठीक है भैया ये चीज समझ आई ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया जाता है सबको बढ़िया से कि कौन क्या होगा किसका रिड्यूसिंग रेडु, रेडु, पावर कौन ज्यादा अच्छा होता है है ना रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा अच्छा होता है किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे कैसे पता करते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर तो ये चीज़ देख लिया करो जो देखो जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो प्रोसेस को उतना ज्यादा फेवर करेगा तो जैसे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिडक्शन के प्रोसेस को फेवर करेगा मतलब रिड्यूस आसानी से होगा

आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन और आया हुआ था तो उसमें हमने बात भी की थी कि, का मतलब क्या हुआ कि जिनका, जिन में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया आईसीएल टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आयोडीन का फिफ्टी थ्री हो जाएगा क्लोरीन का कितना होता है जी सत्रह होता है और दो क्लोरीन है यहाँ पर तो ये हो गया फिफ्टी थ्री प्लस थर्टी फोर यानी एट्टी सेवन चलो भाई सी एल ओ टू का देख लो सीएलो टू का कितना होता है ये क्लोरीन का सत्रह हो गया ऑक्सीजन में कितना होता है आठ होता है एट इन टू तो ये हो गया यार सत्रह और सोलह नहीं हाँ सत्रह और सोलह तो सत्रह और सोलह कितना हो गया सत्रह और सोलह हो गया 33 तो भाई ये पहला वाला तो नहीं है ठीक है बी आर ओ टू माइनस का कितना होता है जी पैंतीस होता है शायद ब्रोमीन का हाँ और ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं एक ऑक्सीजन कितना होता है आठ होता है निगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो ये कितना हो जाएगा पैंतीस प्लस सोलह प्लस एक तो ये हो गया पैंतीस छः इकतालीस दस इक्यावन इक्यावन ठीक है फिफ्टी टू हो जाएगा यहाँ पर बी आर एफ टू प्लस इसका कितना हो जाएगा ब्रोमीन का थर्टी फाइव फ्लोरिन का कितना होता है जी नाइन होता है ना तो टू इंटू नाइन और प्लस चार्ज है तो माइनस वन इलेक्ट्रॉन कर दो ये कितना हो गया थर्टी फाइव प्लस एटीन माइनस वन तो बात बराबर आ गई फिफ्टी टू ही आएगा तो दोनों में फिफ्टी टू फिफ्टी टू है ये तो है दूसरा आओ देख लेते हैं सी एल ओ टू का सबका देख लेते हैं सी एल ओ टू में कितना होगा सत्रह प्लस दो इंटू आठ ये कितना हो गया सेवनटीन प्लस सिक्सटीन यानी कि कितना थर्टी थ्री बी आर एफ कितना हो जाएगा ये तो नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन होता है थर्टी फाइव प्लस फ्लोरीन कितना होता है नाइन होता है तो ये कितना हो जाएगा जी कार्बन का होता है नाइट्रोजन का होता है सात एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ट्वेंटी तो फोर तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा तो अपना करेक्ट ऑप्शन पहले ही मिल चुका था कौन सा था सेकेंड ऑप्शन ये सेकेंड ऑप्शन क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा और आई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वगैरह तो के, केमिकल बॉन्डिंग वॉन्डिंग में किए ही हो गए बहुत ज़्यादा है ना तो लेकिन ये सब छोटे छोटे मगर मोटे सवाल होते हैं मतलब है बहुत ईजी सवाल एग्जाम में पता चला तुम प्लस चार्ज को प्लस चार्ज दिया हुआ है और तुम एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना था तुम ऐड करके चले तो ये छोटी चीज़ हो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना क्योंकि ये गलतियां अगर करके आओगे तो बाद में बहुत पछताओगे ठीक है तो इन गलतियों को अवॉइड करना ठीक है साथ ही साथ ब्लॉक केमिस्ट्री हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है यूट्यूब पे ही एक क्लास हुई थी आप लोगों की लंबी चौड़ी क्लास हुई थी वो भाई आठ से बारह घंटे के बीच की थी उसमें मैंने सारा कुछ पी ब्लॉक कवर किया है मैम ने एस ब्लॉक कवर किया है सर ने डी ब्लॉक कवर किया है डी एंड एफ ब्लॉक कवर किया है तो आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं ठीक है यू विल गेट सम इन्फॉर्मेटिव सम इन्फॉर्मेशन ठीक है इन्फॉर्मेटिव स्टप्स मिलेंगे आपको वहाँ पे जो एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही आपका सारा एग्जाम्पलर में जितने भी सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे जैसा कि नीट में पूछा जाता है या मेंस में पूछा जाता है वो सारे हमने यहाँ पे करा दिए हैं ठीक है सो so, इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा अगर पहली बार नहीं समझ आ रहा है दूसरी बार देख लीजिएगा इसका पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सो so, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल का टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारा मेन चैनल का टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ होगा नहीं दिया होगा तो आप आनंद मनी जीरो जीरो वन पे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग है ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे मैं फिर से बोल रहा हूँ और उस पीडीएफ को लेकर के क्वेश्चंस को एक आध बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिकॉज दीज क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन तो बच्चों अच्छे से जाइए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्वेश्चन कीजिए है ना अपना स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाइए एग्जामिनेशन में ताकि और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जितने अच्छे से चीजों को आप रिवाइज करेंगे उतना ही चीजें जमती जाएंगी दिमाग में है ना एग्जाम के लिए उतना ही फायदेमंद होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग है ना स्टे कनेक्टेड अगले वीडियोज में मिलते हैं किसी और कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए बाय बाय अपना ख्याल रखिए अच्छे से पढ़ते रहिए बाय बाय